हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल की। जी हां, यहां से ब्लैंक डेटाबेस लेंगे हम और दो डेटा टाइप्स हैं, एक जिसके बारे में आप जानते ही हैं, एक है कैर और दूसरा है वेयर कैर। आइए देखते हैं इसका क्या यूज है। तो यहां पर सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे और यहां से क्रिएट पे जाके और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाके और यहां से एसक्यूएल पर चलेंगे। और अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर एक टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए कमांड क्या लिखते हैं, क्रिएट। ठीक है, तो क्रिएट यहां लिखा और फिर टेबल का नाम देंगे, तो क्रिएट टेबल लिख करके और फिर टेबल का नाम देंगे। तो जैसे कि जानते हैं कि टेबल का नाम यहां पर हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर दे देते हैं शॉप, शॉप दे देते हैं। तो ये शॉप नाम से टेबल बन रही है। ठीक है, और शॉप में यहां पर आईडी दे दिया हमने, तो आईडी का जो डेटा टाइप है वो आपको मेंशन करना है। तो यहां पर इंटीजर दे सकते हैं, तो इंटीजर को तो पूरा इंटीजर लिखा नहीं जाएगा, क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे इंट। तो देखिए मैंने यहां पे इंट लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इसको कैर दे सकते हैं। अब देखिए ये कैर देंगे तो और वेयर कैर देंगे तो, जैसे कैर 30 रख दिया हमने। और फिर यहां पर नेम की बात करेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पर गैप अलाउड नहीं है, ये अगर आप गैप दे देंगे तो यहां पर आपको दिक्कत आएगी, क्वेरी आपकी रन ही नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर कर दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि ये रन हो जाएगा, तो ये रन नहीं होगा। आप देखिए यहां पर वेयर कैर करता हूं, तो एक तो कैर और वेयर कैर है और दूसरा गैपिंग वाली प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या गैपिंग अलाउड है, तो गैपिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर मैंने गैप दिया है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर प्राइस कर दिया है PRICE, तो प्राइस का जो डेटा टाइप है वो रखेंगे हम यहाँ पे करेंसी। कौन सा डेटा टाइप रखेंगे, करेंसी। और करेंसी रख करके यहां पर देखिएगा इस तरीके से करेंसी होगा, और ये टर्मिनेशन देंगे, और टर्मिनेशन देकर के क्या करेंगे, यहां से इस तरीके से इसको रन कराएंगे। तो रन कराएंगे, देखिए ये सिंटेक्स एरर फील्ड डेफिनेशन आएगा, ये एरर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये एरर आया क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे गैप दे दिया, दैट्स वाई ये एरर आया। तो ये गैपिंग अलाउड नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा चीज है कि कैर और वेयर कैर में क्या अंतर होता है, तो ये भी अभी क्लियर कर देता हूं। पहले इस क्वेरी को हम रन करा लेते हैं। ठीक है, तो ये रन कराया, तो अभी ये क्वेरी रन हो गई और हमारी टेबल बन के आ गई है। देखिए ये हमारी टेबल है, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये टेबल आएगी, और जब टेबल ये आ जाएगी तो आपको करना क्या है, इसको क्लोज करते हैं, यहां से आते हैं। ये देखिए ये जब टेबल बन गई है तो यहां पर आप देखिए ये लिखा है कैर, तो कैर भी वही काम कर रहा है और वेयर कैर भी वही काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 30 साइज दे देता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसे, तो भी एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि 30 दे दूंगा तो ये रन नहीं होगा, तो भी रन होगा, क्योंकि टेबल ऑलरेडी बनी हुई है तो इस वजह से रन नहीं कर रहा है। तो आखिरकार कैर और वेयर कैर में अंतर क्या, देखिए कैर क्या करेगा ना, कैर 30 साइज दिया गया तो 30 स्पेस ले लेगा। तो अगर मान लीजिए कि किसी का नाम चार ही कैरेक्टर का हुआ, तीन ही कैरेक्टर का हुआ, तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम आपने रखा राम, या किसी की आईडी आपने दी 101, अब ये 30 कैरेक्टर तो है नहीं, ये तो तीन ही कैरेक्टर है, तो तीन कैरेक्टर है तो बाकी के स्पेसेस तो रिड्यूस हो जाने चाहिए, वो एक्स्ट्रा मेमोरी खर्च करेगा ना। तो कैर ऐसा नहीं करता है, कैर क्या करता है, उसे व्हाइट स्पेसेस से भर देता है। जबकि इन द केस ऑफ वेयर कैर, अगर मान लीजिए किसी का नाम है मोहन, तो मोहन में MOHAN पांच ही कैरेक्टर है, बाकी का 25 कैरेक्टर जो है, जो जगह ले रहा है ये, बाकी का ये मेमोरी यूज होने के बाद जो मेमोरी यूज हुई वो यूज हुई, बाकी का 25 मेमोरी ये रिमूव कर देता है, हटा देता है, यानी लौटा देता है आपके कंप्यूटर को। ठीक है, तो बाकी का जो है वो इसमें कंटेन नहीं करता है। यही फायदा है वेयर कैर को यूज करने में, और यही थोड़ा सा नुकसान है कैर को यूज करने में। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि कैर और वेयर कैर में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है,